हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर शहर का पहला संक्रमित मरीज ठीक होकर पहुंचा घर। कहा शुरू में घबरा गया था, डॉक्टरों ने हौसला बढ़ाया और फिर सब कुछ ठीक होता चला गया। जोधपुर शहर का पहला संक्रमित युवक हिमांशु अब ठीक है और हॉस्पिटल से घर आ गया है। कोरोना से जंग जीतने में डॉक्टर्स एवं मेडिकल स्टाफ की केयर और युवक का आत्मविश्वास काम आया। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान हिम्मत बनाए रखने के लिए हिमांशु को तालियां बजाकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। शास्त्री नगर में रहने वाले 36 साल के हिमांशु को सुनने और बोलने में दिक्कत है। वे पूरी तरह से सुन नहीं पाते हैं और साफ शब्दों में अपनी बात कह नहीं पाते। वो शहर की एक केयर कंपनी में काम करते हैं। तुर्की से लौटने के बाद 22 मार्च को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अगले दिन उनके चाचा चाची की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली। इसके बाद शहर के MDM हॉस्पिटल में उनका इलाज चला, जबकि हिमांशु की माँ, पत्नी, बेटी और भाई को भी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन रखा गया था। सोमवार रात हिमांशु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसी समय क्वारंटाइन से लौटा उनका परिवार एम्बुलेंस में इंतजार कर रहा था। कोरोना को पराजित कर घर लौटे हिमांशु ने बताया कि शुरुआत में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन डॉक्टर ने हौसला बनाया और फिर सब कुछ सामान्य होता चला गया। मैं हिमांशु डर नहीं, जब मैंने डॉक्टर की चीज बताया था तो पहला दिन बिल्कुल था, तो दूसरा दिन अचानक बुखार आया था, तो जब दिन डॉक्टर खुद फटने गया था, डॉक्टर आया था, पता लग गया कि छुट्टी बह गया, तो डॉक्टर ने मेरे को हिम्मत लाई, कॉन्फिडेंट पड़ा। हिमांशु की पत्नी नीलम ने बताया कि लोग अपनी सजगता से कोरोना जैसी महामारी को पराजित कर सकते हैं, जैसे कि हिमांशु ने किया है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अतिरिक्त सावधानी बरतें और थोड़े लक्षण नजर आते ही तुरंत प्रशासन को जानकारी दें। हमारे यहाँ बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम है, ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को अपने आस पास कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो उसकी जानकारी भी प्रशासन को देनी चाहिए, ताकि उनका समय रहते इलाज हो सके और ये बीमारी अन्य लोगों में नहीं फैले। मैं जब तुर्की से वापस आई और जब बेटे को थोड़ा सा हम हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद हम सबका यहाँ पर टेस्ट हुआ और हम सब नेगेटिव में आए, तो हमको आयुर्वेद करवड़ में हॉस्पिटल में भेजा गया और वहाँ पे हम लोगों की बहुत अच्छी देखभाल हुई और सारी हमारे को सुविधाएँ दी गई और कोई भी तकलीफ नहीं आई। अगर समय पर कहीं जरा भी खांसी जुकाम भी हुआ तो हमको उसकी औषधि दी गई और अब हम घर आ गए हैं और हम आज बेहद खुश हैं। आप सब लोगों के देखभाल और इलाज से हम लोग अपने घर में आज खुश हैं और आप लोगों का बहुत बहुत डॉक्टर्स का, स्टाफ का, सभी का बेहद धन्यवाद। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।